हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द्वारका एम एस सी जूलॉजी। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम एस सी जूलॉजी थर्ड सेम फर्स्ट पेपर का थर्ड टॉपिक, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटेग्यूमेंट एंड इट डेरिवेटिव्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सिनेप्सिस, इंट्रोडक्शन, इंटेग्यूमेंट वर्टिब्रेट ग्रुप में इंटेग्यूमेंट, डेरिवेटिव, सॉफ्ट एपिडर्मल, हार्ड एपिडर्मल, चौथा फंक्शन, पाँचवा कॉन्क्लूजन एंड सिक्स रेफरेंस। ये बाय मिस्टेक हो गया होगा। सो इंट्रोडक्शन, जीव की बॉडी के बाहरी आवरण को इंटेग्यूमेंट कहते हैं। इसके अंतर्गत स्किन बाय स्किन डेरिवेटिव स्ट्रक्चर आती हैं। स्किन की मूल संरचना सभी वर्टिब्रेट एनिमल में समान रूप से होती है, बट इनके अलग अलग नेचुरल हैबिटेट में रहने के कारण यह स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी मतलब आकार की व फिजियोलॉजी शारीरिकी में भिन्नता दर्शाती है। फिर इंटेग्यूमेंट वर्टिब्रेट ग्रुप, पहला फिश। फिश में स्केल्स पाए जाते हैं, प्लाकोइड स्केल्स और कीटेनोइड स्केल दो प्रकार के होते हैं। दूसरा एम्फीबिया, एम्फीबिया में मतलब क्यूटेनियस स्किन पाई जाती है। रेप्टाइल्स स्किन में स्किन और बोनी स्कर्ट्स पाया जाता है। क्रोकोडाइल में और कुछ ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट रहती हैं। उसके बाद बर्ड्स में, सो बर्ड्स में विंग्स फीदर पाए जाते हैं, बीक यानी चोंच पाई जाती है, यूरियो जीएल ग्लैंड पाई जाती है जो यूरिन का सिक्रेशन करती है। मेमल्स में स्किन पाई जाती है, स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती है, होस पाए जाते हैं, क्लैप्स, हॉर्न, नेल्स, हेयर आदि प्रेजेंट रहते हैं। थर्ड इंटेग्यूमेंट वर्टिब्रेट ग्रुप्स, यह दो प्रकार के होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस डेराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म होता है और डर्मिस डेराइव्ड फ्रॉम ईडोडर्म होता है। एपिडर्मिस दो प्रकार से, हार्ड एपिडर्मल और सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में डिवाइड रहती है। एपिडर्मिस आउटर लेयर स्किन बनाती है, इसकी सेल्स दो प्रकार की होती हैं। यह एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर है, आप लोग वीडियो को पॉज करके स्ट्रक्चर को अच्छे से बना सकते हैं। गाइस, कुछ टेक्निकल इशू मतलब कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियोस में कैमरा कहीं चला गया, इसलिए। सेकेंड, सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, ये यूनिसेलुलर व मल्टी सेलुलर सरल व मिक्स ग्लैंड है। इनके अंतर्गत निम्न ग्लैंड आती हैं, म्यूकस ग्लैंड, पॉइजन ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड्स एंड फ्यूमरल ग्लैंड्स। एक स्वीट ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इस स्ट्रक्चर को भी बना सकते हैं। उसके बाद एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, इसमें कठोर एपिडर्मल आते हैं, जैसे एपिडर्मस स्केल्स, हॉर्न, हॉर्नी टीथ, हेयर, फीदर, नेल्स आदि। नेल्स का, हॉर्न का, सेंट्रल कैविटी, दोनों के डायग्राम है। उसके बाद ये थर्ड फीदर का डायग्राम है। फंक्शन ऑफ इंटेग्यूमेंट, क्या क्या फंक्शन करती है, तो यह प्रोटेक्शन करती है मतलब सुरक्षा प्रोवाइड, सेफ प्रोवाइड करती है बॉडी को। थर्मो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर का वर्क करती है, स्टोरेज ऑफ फूड का करती है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है कुछ जीवों में, स्केलेटन में सेंस करने में भी और सेक्सुअल रिलेशन बनाने में भी यह हेल्प करती है। कंक्लूजन, ऑल मेमल्स में डेरिवेटिव शिकार करने, पकड़ने, मारने, रक्षा करने व रंग बदलने में हेल्प करते हैं। यह मुख्य भाग होते हैं जो बॉडी को बाहरी आघातों से बचाते हैं। कंक्लूजन में आप जो भी बुक रेफर करते हैं उनका नाम ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।